बॉलीवुड दुनिया से आए दिन किसी न किसी फिल्म के रिलीज डेट की क्लैश होने की खबरें सामने आती ही रहती हैं। जैसे कि पहले खबर आई थी कि फिल्म एनिमल और फिल्म गदर 2 साथ में रिलीज होने वाली है और दोनों में अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिलेगा, पर फिर खबर ये आई कि रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल की रिलीज डेट बदल दी गई है। बता दें कि अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के लिए फैंस को अभी और इंतजार करना होगा। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था जिससे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। टीजर के सामने आते ही फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई थी और अब फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी है। अब जानकारी के मुताबिक बात करें तो इस फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है और इसे आगे बढ़ाया गया है। संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित एनिमल अब 1 दिसंबर को रिलीज होगी। बता दें कि पहले फिल्म एनिमल 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी और इसी दिन यानी कि 11 अगस्त को सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 भी रिलीज होने वाली है। खबरें ये थी कि फिल्म एनिमल की भिड़ंत सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार की ओएमजी 2 से होने वाली थी, मगर अब रणबीर कपूर की फिल्म की रिलीज डेट फाइनली बदल गई है। अब फिल्म एनिमल की रिलीज डेट में भले ही बदलाव हो गया हो लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस क्लैश अब भी बरकरार है। खबरों के अनुसार अब ये फिल्म विकी कौशल की सैम बहादुर से टकराएगी। विकी की फिल्म भी इसी तारीख को रिलीज होने वाली है। ऐसे में दोनों सितारों के बीच अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि फिल्म एनिमल के जरिए दर्शकों को सिनेमा का शानदार अनुभव कराने और फिल्म की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मेकर्स को अभी कुछ और वक्त की जरूरत है। संदीप रेड्डी वांगा अपने अलग काम के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म को भी वो पूरी शिद्दत के साथ बनाना चाहते हैं। ये फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होगी और हर भाषा में वो दर्शकों का अनुभव शानदार बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी के लिए उन्हें अतिरिक्त समय की भी जरूरत है। फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ने से मेकर्स को थोड़ा और वक्त मिलेगा। इसके जरिए वो कंटेंट से लेकर ऑडियो विजुअल क्वालिटी तक हर पहलू पर काम कर सकेंगे और फिल्म को और बेहतर बना सकेंगे। बता दें कि एनिमल को भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें रणबीर कपूर के अलावा अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी जैसे कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। फिल्म एनिमल 1 दिसंबर 2023 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। अब बात करें विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर की, तो ये फिल्म फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर आधारित है। सैम मानेकशॉ की इस बायोपिक में विकी उनका किरदार अदा कर रहे हैं और फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार कर रही हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।